खुशखबरी खेल के मैदान से। एशियन गेम्स 2023 में पाकिस्तानी स्क्वाश टीम ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए इवेंट में लगातार पांचवीं कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान स्क्वाश टीम का आखिरी ग्रुप मैच में कुवैत से मुकाबला हुआ। पहले मैच में पाकिस्तानी प्लेयर आसिम खान ने कुवैत के अब्दुल्ला को शिकस्त से 2-4 किया। दूसरे मैच में नूर जवान ने अमार अल मतीमी को 3-1 से हराया। तीसरे मैच में पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने मोहम्मद फलाह को मात दे दी। 19वें एशियन गेम्स के टेनिस इवेंट में जापान के टेनिस खिलाड़ी युसुफ का वतानो मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के फाइनल में पहुंच के चीन के शहर हांगजू में जारी 19वीं एशियन गेम्स के टेनिस इवेंट जो के हांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स एक्सपो सेंटर में खेला जा रहा है। आज मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के पहली सेमीफाइनल मैच में जापान के युसुफ वताको ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज से वार्म अप मैच का सिलसिला शुरू हो रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड हैदराबाद दक्कन में मद मुकाबले आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत पहुंचने के बाद गुज़श्ता रोज पहला प्रैक्टिस सेशन किया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग सेशन में बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली गागा, फखर जमान, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस और जमान खान ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने स्टेडियम के अंदर वार्म अप और फील्डिंग की मशक की और नेट एरिया में नेट सेशन भी किया।